ऑलराइट गाइज, अब जो है वो हम लोग इस ट्यूटोरियल के अंदर वर्डप्रेस के अंदर जो है वो मेन्यू किस तरह से ऐड होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पिछली क्लास में हम लोगों ने पेजेस को ऐड किया था, आज हम लोग जो है वो मेन्यूज़ देखेंगे। और वेबसाइट के अंदर मेन्यू जो है वो एक बैकबोन का काम कर रहा होता है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर जो कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं उन तक जाने के लिए जो है वो आपको मेन्यू बनाना लाजमी है। तो मेन्यू बनाने के लिए आप जो है वो यहाँ प्लगइन्स, सॉरी टूल्स, नहीं मेन्यू कहाँ गया, कस्टमाइज द साइट, और ये रहा मेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम लोग क्रिएट न्यू मेन्यू करेंगे। अब आपका ये जो मेन्यू है इसका नाम क्या होगा, कोई भी नाम दे दें, मेन मेन्यू। उसके बाद इफ योर थीम, जो आपकी थीम हैज़ मल्टीपल मेन्यूज गिविंग देम द क्लियर नेम्स विल हेल्प यू मैनेज देम। अगर आपके पास ऐसी थीम है जिसमें एक से ज़्यादा मेन्यूज हैं, हर मेन्यू का नाम दे दें आप। फिर मेन्यू लोकेशन, आप ये मेन्यू कहाँ दिखाना चाहते हैं, तो भाई आप टॉप पे दिखाना चाहते हो या फिर ये सोशल लिंक्स का मेन्यू है। मैंने कहा ये टॉप मेन्यू होगा, नेक्स्ट। अब उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि आप आइटम ऐड करें मेन्यू के अंदर, तो मेन्यू के अंदर आइटम ऐड करने के लिए ऐड आइटम्स, ये देखें। मेन्यू जो है वो कस्टमाइज लिंक्स के ऊपर भी बनता है, मतलब आप कोई जैसे google.com लिख दें यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर लिख दें क्लिक मी या फिर गो टू गूगल, कुछ भी हेडर टैग्स जो होता है एंकर टैग की तरह। कस्टम लिंक्स भी दे सकते हो, आपके पास अगर आपके पेजेस हैं तो आप उनको भी मेन्यू में डाल सकते हो। सही है, एक तो मेरा होम पेज था और एक मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज था, या मैं एक नया पेज ऐड करना चाहता हूँ, मैं अपनी किसी पोस्ट को भी मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ, मैं कैटेगरीज को भी मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ, मैं टैग्स को और फॉर्मेट्स को भी जो है वो मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल हम लोग पेजेस जो हमारे पास मौजूद हैं वो एक तो होम का टैग है, होम पेज। तो हमारा जब मेन्यू बनेगा तो उसमें होम पेज का जो है वो लिंक आ जाएगा और कॉन्टैक्ट अस, दो चीज़ें। ठीक है, आप इनको रीऑर्डर भी कर सकते हो, सिंपली इसको इधर से उधर कर दें ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो फिर जो है वो आपका मेन्यू इसी तरह से चेंज होता रहेगा। देखिए नीचे आपको लाइव प्रीव्यू दिख रहा है, ले रही बात। तो इसी तरह से जितने भी मेन्यू आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फिर आप दोबारा ऐड आइटम करें, आप चाहते हैं कि कोई कस्टम लिंक भी ऐड कर लें, कस्टम लिंक में फर्श कर लें, मैंने लिख दिया http://youtube.com/user/b4boy, और उसके बाद YouTube चैनल के नाम से हमने यहाँ पर एक जो है वो मेन्यू में एक कस्टम लिंक ऐड किया है। इस तरह से आप एक मेन्यू के अंदर जो है वो कस्टमाइज्ड लिंक भी ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वेबसाइट के पेजेस ही दें, आप एक्सटर्नल लिंक्स को भी ऐड करवा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? इसी तरह से जो है वो आप अपनी पोस्ट वगैरह को भी ऐड करवा सकते हैं। पोस्ट देखें, अभी हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट हुई हुई है मेरे पास इस पूरी के पूरी वेबसाइट के अंदर, तो अगर मैं चाहता हूँ कि पोस्ट भी यहाँ पे शो हो तो फिर जो है वो मैं इधर क्लिक कर दूंगा। तो देखें हेलो वर्ल्ड, जब इधर क्लिक होगा मतलब आप डायरेक्ट उस पोस्ट पर चले जाएंगे जिस पोस्ट को मेन्यू में आपने यहाँ पर दिया हुआ है, ले रही है बात। उसके बाद आगे चलते हैं कैटेगरीज। अभी हमारे पास कोई कैटेगरी है नहीं, वैसे अगर कोई कैटेगरी होती मेरी वेबसाइट में बनी हुई तो फिर वो कैटेगरीज भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल अनकैटेगराइज आ रहा है, ये एक कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब बात यहाँ पर यह आती है कि फर्ज कर लें कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर मैं एक और जो है वो कस्टम लिंक ऐड करता हूँ, बल्कि कैटेगरी ऐड करता हूँ, एक अनकैटेगराइज्ड है ना ये, यहाँ पर जो मुझे कैटेगरी बनानी पड़ेगी पहले पीछे जाके, ताकि जो है वो मैं कैटेगरी ऐड कर सकूँ और उसमें एक सब मेन्यू बना सकूँ। इसको फ़िलहाल कैटेगरी को रिमूव करें, कैटेगरी को यहाँ से रिमूव करें और इसको पब्लिश कर दें। मेरे पास मेन्यू मेरा बन चुका है, इसको क्लोज कर दें यहाँ से, डैशबोर्ड पे वापस आएँ और अब जो है वो अपेयरेंस के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर
चलते हैं यहाँ पे, ये देखें वही आ रहा है सब, जिस तरह से हमने मेन्यू ऐड किया था। आप वैसे अपेयरेंस के अंदर जाकर भी मेन्यूज़ को ऐड करवा सकते हो, कैटेगरीज, और कैटेगरीज के अंदर मेरे पास यहाँ कैटेगरीज, पेरेंट्स, जी, वही बता रहा हूँ, कैटेगरीज में कोई ऐड करना चाह रहा था दरअसल। अच्छा, कैटेगरीज के लिए फिर अलग से काम करना पड़ेगा। मैं अगर आपको सब मेन्यू बनाना है तो सब मेन्यू के लिए आप मेन्यूज़ पे जाएं और फर्ज कर लें, ये मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल के अंडर में फर्ज कर लें, ये पोस्ट में इसको सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर दें, बस मैंने क्या किया है, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा आगे किया, ये बात, इसको ड्रैग करने के बाद जब आप आगे कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सब मेन्यू बना देगा। जब हमने इसको सेव कर लिया तो सेव करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं आप। ये देखें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो सब मेन्यू बना हुआ आ रहा है। बताना मैं यही चाह रहा था, मैं बेसिकली कैटेगरी के ज़रिए करना चाह रहा था, लेकिन कैटेगरी के लिए अभी हमारे पास कोई कैटेगरी बनी भी नहीं है, तो हमने क्या किया, फ़िलहाल हमने जो है वो अपने एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक डाल दिया है। अब इसको ज़रा आप जो है वो विज़िट करें एक पेज पर, कॉन्टैक्ट अस, हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पर आ गए और मेन्यू हमारा यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी। और इसी तरह से जो है वो हम हेलो वर्ल्ड पे जब क्लिक करेंगे तो हम कमेंट्स के उस पेज पे चले जाएंगे जो हेलो वर्ल्ड वाला कमेंट है, सही है। और इसी तरह से जब हम होम पेज पे जाएंगे तो हम अपने होम पेज पर भी वापस आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो आप इस तरह से एक बेहतरीन मेन्यू बना सकते हो। और इसके बाद जब अगर मैं यूट्यूब पे ही क्लिक करूँगा तो हम जो है वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर या किसी भी लिंक के ऊपर जो लिंक आपने दिया हुआ होगा। ले रही है बात सब लोगों को? तो दैट्स ऑल फॉर मेन्यूज़ ट्यूटोरियल, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लें। ले रहिए सब लोगों को। अच्छा गाइज, एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी है वो मेन्यू के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, अगर आपने इस पे चेक लगा दिया, अब क्या होगा, आप फर्ज कर लें एक नया पेज ऐड कर रहे हैं, ऐड न्यू, सॉरी पहले इसको सेव कर लें, ये सेव हो चुका है। अब आप पेजेस पे जाएं और एक नया पेज ऐड करें, पेज को हम दे देते हैं सर्विसेज, माय सर्विसेज, फर्स्ट कर लो, ये मेरा एक और पेज है और इसको भी जो है वो हम पब्लिश कर देते हैं। तो इससे होगा ये कि मुझे जो है वो अपना ये जो सर्विसेज का पेज है ये मेन्यू में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विजिट साइट करें, मैंने सिर्फ पेज ऐड किया है अभी, ठीक है, तो ये देखें ज़रा, तो ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप न्यू पेजेस टू योर टॉप लेवल मेन्यू। तो आप बस अब पेजेस ऐड करते रहें, मेन्यू बढ़ता रहेगा, पेजेस ऐड करते रहें, मेन्यू बढ़ता रहेगा, सही है। एक तो ये चीज़, दूसरी एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो कैटेगरीज थी। कैटेगरीज हम लोग अभी देख रहे थे तो हमने उसको स्किप कर दिया था, तो वो भी देख लें ताकि ये पोर्शन पूरा एकदम सिरे से पूरा हो जाए। कैटेगरीज बेसिकली जो है वो पोस्ट के अंदर जाकर आती है कैटेगरीज,
ठीक है, मेन्यू के अंदर जो कैटेगरीज की बात हो रही थी तो वो कैटेगरीज ये हैं, ठीक है। इन कैटेगरीज पे क्लिक करें आप, तो यहाँ देखें अगर आप पोस्ट वाइज कोई कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, लेट से मैंने कहा टेक्नोलॉजी, तो भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कैटेगरी है या जो पोस्ट होंगी वो यहाँ होंगी। आ रही है बात समझ में? तो ये पोस्ट का सेक्शन है, यहाँ पर अभी कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई फिलहाल, एक अनकैटेगराइज के नाम से है। आप इसको बना दें यहाँ पर, और उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी कर लें। इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है तो आप दे दें, और फिर इसके अंदर जो है वो फिर मज़ीद जो है वो आप पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट की डिटेल्स को देखेंगे तो। क्लियर है ये बात? अब मेन्यू के अंदर जाएँ आप, अपीयरेंस, मेन्यूज़, और यहाँ पर जो कैटेगरीज आ रही होंगी अब, तो उसके अंदर सर्च कर लेते हैं। हमारे पास क्या नाम रखा था हमने अपनी कैटेगरी का? टेक्नोलॉजी। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कैटेगरीज में हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐड होनी चाहिए। यहाँ पर है तो सही है, इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं, और मेन्यू कैटेगरीज यहाँ टेक्नोलॉजी शो होना चाहिए। मेन्यूज अनकैटेगराइज तो आ रहा है यहाँ पे, व्हाट आई हैव फॉरगेट, ठीक चलें वो भी कर लेते हैं। अपीयरेंस, मेन्यूज, कैटेगरीज, चलें एक पोस्ट करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। जनरल वर्कर्स, और वॉट इज़ योर ओपिनियन अबाउट जनरल वर्कर्स, ठीक है। और इसको कर दें फॉर्मेट स्टैंडर्ड, सही है। और यहाँ पर आ रही है टेक्नोलॉजी की कैटेगरी, इसको कर देते हैं टेक्नोलॉजी में, और इसको कर देते हैं पब्लिश। ये मेरा पोस्ट का सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पब्लिश कर चुका हूँ। अब मेन्यू पे चलते हैं, अपीयरेंस, मेन्यूज, कैटेगरीज, अब आ रही है। तो सही था कि इसमें कोई पोस्ट उस वजह से नहीं थी, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं हो रही थी। अब हमारे पास यहाँ कैटेगरी को अगर मैं चेक लगा दूँ और ऐड टू मेन्यू कर दूँ, तो मेरे पास मेन्यू के अंदर टेक्नोलॉजी भी ऐड हो रही है। तो गर्ज ये कि मेन्यू के अंदर मैं पेजेस के अलावा एक्सटर्नल लिंक्स, कैटेगरीज, पोस्ट और जो उसकी वेबसाइट के अपने पेजेस हैं सब कुछ लगा सकता हूँ। मेरे सब लोगों को ये, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।